जॉन एफ कैनेडी की एक बात कहें तो वो कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार का उदाहरण दिया जाएगा ये सारे शब्दों के लिए। धन्यवाद देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिनके लगातार प्रयासों के वजह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको बिहार में धरातल पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। विपक्ष के लोग हमेशा हमें कहते रहते हैं, हमारी नीयत को खोजते, हमारी नीति को खोजते, हमेशा हमें कोसते रहते हैं, तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती से आते हैं, दो पंक्ति बस पढ़ेंगे इनके लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस सदन में अक्सर हमारे तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक बात कही जाती है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली से अगर लाभार्थी को 100 रुपए भेजा जाता है तो लाभार्थी के पास सिर्फ 15 रुपए पहुंच पाता है, 85 रुपए भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज गर्व के साथ कहते हैं कि अगर दिल्ली से 100 रुपए जाता है तो एनडीए की सरकार में लाभार्थी तक 100 रुपए पहुंचता है, और अगर कोई भी नागरिक 1 रुपए टैक्स भरता है तो उसको योजनाओं से 10 रुपए का लाभ होता है। एक सुनहरा अवसर था हमारे देश को सुपर पावर बनाने का सर, पर इन लोगों ने मिलकर हमारे देश को 50 साल और पीछे लेके चले गए। श्रीमती संभावी, धन्यवाद सभापति महोदया। एक युवा महिला सांसद होने के नाते हम ये अपना सौभाग्य मानते हैं कि अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस फाइनेंस बिल 2024 में अपना पक्ष रखने का अवसर मुझे मिला। आम बजट के बाद पहली बार बोल रहे हैं, इसीलिए हम अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देंगे कि उन्होंने 7वीं बार सफलतापूर्वक एक बजट पेश किया है। और इस चीज़ से एक चीज़ तो ज़रूर साबित होता है कि बजट घर का हो या देश का, अगर वो किसी महिला के हाथ में है तो परफॉर्मेंस और प्रॉस्पेरिटी दोनों का गारंटी है। इस सदन में मैम हम उन दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस देश का वर्तमान भी है और भविष्य भी, युवा और महिला। महोदया, लोकतंत्र एक जब देश में चुनाव होता है तो लोकतंत्र अपना एक जनादेश देती है, और हमें बहुत गर्व के साथ ये हम बता रहे हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लक्ष्य के साथ तीसरी बार जनता ने हमें अपना मतदान रूपी आशीर्वाद देके सरकार बनाने के लिए हमें अपना जनादेश दिया है। आज 11 जून 1964 का वो दिन याद आता है जब तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने देश को पहला संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर कम्स अ टाइम इन द लाइफ ऑफ एवरी नेशन व्हेन इट स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री एंड मस्ट चूज विच वे टू गो। 140 करोड़ देशवासियों ने इस चुनाव में हमें अपना निर्णय देकर एक स्टेबल सरकार को चुना है। 2004 से 14 की जो 10 साल का पीरियड था हमारे देश का, उसको उन्होंने चुनौती दी है जब देश को सिर्फ घोटालों से और देश विरोधी गतिविधियों से जाना जाता था। यूपीए सरकार को जब हम याद करते हैं मैम, तो उसको 3C की सरकार से हम याद करते हैं, करप्शन, कम्युनलिज्म एंड कन्फ्यूजन। पर जब हम एनडीए की सरकार को याद करते हैं तो हम उसको 3D सरकार से याद करते हैं, जो है डेवलपमेंट, डेडिकेशन एंड डिलीवरी। डेडिकेशन है हर वर्ग को सुरक्षा और विकास देने का, हमारा डेवलपमेंट का विजन है, और हम ये भी प्रयास करते हैं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो हर एक व्यक्ति तक टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम से पहुंचे। हमारे वादे, चाहे वो राम मंदिर के हो, वो आर्टिकल 370 हो, वो GST हो या CAA हो, हमने जितने भी वादे किए हैं उसको लागू करने का पूरा प्रयास किया है। गर्व के साथ कहते हैं मैम कि जनता ने 3C नहीं 3D की सरकार को चुना है। इस सदन में अक्सर हमारे तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक बात कही जाती है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली से अगर लाभार्थी को 100 रुपए भेजा जाता है तो लाभार्थी के पास सिर्फ 15 रुपए पहुंच पाता है, 85 रुपए भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज गर्व के साथ कहते हैं कि अगर दिल्ली से 100 रुपए जाता है तो एनडीए की सरकार में लाभार्थी तक 100 रुपए पहुंचता है, और अगर कोई भी नागरिक 1 रुपए टैक्स भरता है तो उसको योजनाओं से 10 रुपए का लाभ होता है। अगर इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो एनडीए सरकार का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है।
मैम, अब अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उनको मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जो हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो अच्छे काम किए गए थे उसके वजह से था। एक सुनहरा अवसर था हमारे देश को सुपर पावर बनाने का सर, पर इन लोगों ने मिलकर हमारे देश को 50 साल और पीछे लेके चले गए। तब भारत का करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस ऑफ 0.5% जीडीपी पे था। वो डेफिसिट जो है वो 2009 से 14 तक 3.3% हो गया सर, और आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद भी करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 0.7% पर है। विपक्ष वाले लोग हमेशा सरकार को महंगाई पे घेरते हैं, हमेशा कहते हैं कि महंगाई इस सरकार में बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का एवरेज वाजपेयी जी के समय 4.1% था, जो 2004 से 9 में बढ़कर 5.8% हो गया, और 9 से 14 में बढ़कर तो ये 10.4% हो गया। हमारे कार्यकाल में ये 2014 से 2019 तक 4.45% था, और आज जब कोरोना का महामारी था और ये सब के बावजूद 2019 से 2024 के बीच में कंज्यूमर इन्फ्लेशन प्राइस जो है वो 5.69% है, जबकि ग्लोबल एवरेज मैम 8% पे है। उसके बावजूद हमारे देश का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 5.69% पे है। ये हमने तब करके दिखाया जब हमें कमज़ोर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। आज जब हम इन्वेस्टर्स से पूछते हैं हाउ इज़ द इन्वेस्टमेंट, तो वो कहते हैं हाई सर। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, हर वर्ग हर राज्य में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज कश्मीर में यूएई का एमआर ग्रुप, जिसने बुर्ज खलीफा बनाया सर, वो 500 करोड़ का निवेश करके मॉल और आईटी टावर बनाने जा रहे हैं, और हम सबको पता है कि इनके कार्यकाल में कश्मीर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या होता था। आज सर जब बजट आया है और हम लोग सब बजट की बात कर रहे हैं, तो लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये बजट पार्शियल है, ये बजट सिर्फ बिहार का बजट है, तो उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रुपीज 9.7 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष से 13% ज़्यादा है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 तक $214 मिलियन का FDI आया है, और 2023 से 24 तक भारत में रिकॉर्ड $70 बिलियन FDI आया है, जो 2013 और 14 में सिर्फ $36 बिलियन थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब बिहार का इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बिहार का इकोनॉमी एस्पायरिंग इकोनॉमी, और जब जब केंद्र सरकार ने बिहार को सहयोग किया है, तब तब बिहार और मजबूती से खड़ा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ बिहार की तरफ से, जिन्होंने बजट के लिए इतनी अच्छी घोषणाएं बिहार के लिए की है। अगर जॉन एफ कैनेडी की एक बात कहें तो वो कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार का उदाहरण दिया जाएगा ये सारे शब्दों के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार बिहार को लगातार विकास की ओर लेके जाएगी। सरकार ने बिहार को 26,000 करोड़ रुपए दिए हैं हाईवे डेवलपमेंट के लिए, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, या बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे। इससे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बल मिलेगा और रोजगार क्रिएट होगा। महोदय, इतनी सारी योजनाएं, 48 लाख करोड़ का बजट, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, हर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब सिर्फ इतने 10 साल में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यवस्था तो वही है और अधिकारी भी वही है। जो बदला है वो सिर्फ हमारा काम करने का ढंग, क्योंकि हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है, और हमारे पास देश का सेवा करने का नियत भी है। आज जो फाइनेंस बिल आया है वो हमारे देश के लिए एक नया ग्रोथ स्टोरी लिखेगा, क्योंकि हम आज टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर फाइनेंस बिल और टैक्सेशन का बात करें तो हमारा टैक्स सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स सिस्टम है, और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इस पर निर्भर करती है। टैक्स बेस्ड रिफॉर्म्स किए गए हैं पिछले 10 वर्षों में, और हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है वो पिछले वर्ष 34,64,792 करोड़ था, और इस वर्ष 38,40,170 करोड़ होने का अनुमान है।
विपक्ष वाले लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उनकी सहायता नहीं करती, तो उनको बता दें कि इस 48 लाख करोड़ में से 30% जो कि 12,47,211 करोड़ है वो राज्यों को दिए जाएंगे। हमारी सरकार की नीतियों के कारण हमारा नेट टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2014 में 9 लाख करोड़ था, वो आज बढ़ करके 25 लाख करोड़ है और हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो रिकॉर्ड 11.8% पर है। हमारी सरकार ने जीएसटी लगाकर पिछले 70 वर्षों में जो सबसे बड़ा सुधार है वो किया है। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में 2 लाख करोड़ रुपए का स्तर पार किया है और जीएसटी काउंसिल के गठन के बाद हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और बल दिया है, एक नया मीनिंग, एक नया डेफिनेशन दिया है। फाइनेंस बिल बहुत ही एक आवश्यक बिल होता है क्योंकि हर सेक्टर्स को इसमें इंसेंटिव देने का काम किया जाता है और जैसा कि हम जानते हैं कि आम आदमी जब बजट का भाषण सुनता है तो सबसे ज़्यादा अगर वो कुछ गौर से सुनता है तो वो हमारे टैक्सेशन प्रपोजल्स को सुनता है। हमें बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने उन्हें निराश नहीं किया है और न्यू टैक्स रिजीम रेट स्ट्रक्चर को रिवाइज करके ऐसा एक टैक्सेशन सिस्टम लाया है जिससे सैलरीड एम्प्लॉय हर साल 17,500 रुपये का इनकम टैक्स सेविंग कर पाएगा। इसका लाभ मध्यम वर्ग के लोगों को और निम्न वर्ग के लोग को सबसे ज़्यादा होगा। सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है और डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स को 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। इन प्रावधानों से मिडिल क्लास को लाभ होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश मिलेगा और हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है उसको पूरा किया जाएगा। आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हम ये बता देना चाहते हैं कि भारत आज 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप का एक हब है जिसकी संख्या 1.25 लाख है और 110 यूनिकॉर्न्स हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं सदन के सामने रखना चाहती हूँ कि ये जो रिकग्नाइज स्टार्टअप है उसका 45% Tier 2 और Tier 3 जो सिटीज़ हैं उसमें, मतलब इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ बैंगलोर ही नहीं बल्कि हमारे बिहार के बक्सर में या भागलपुर में भी अगर कोई बैठा हुआ हो तो वो भी आज लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, वो अपने स्टार्टअप के माध्यम से हमारे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को अबॉलिश करने की घोषणा की गई है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप को फंडिंग देने में आसानी होगा और लिटिगेशन कम करेगा और इसका जब अगर लिटिगेशन कम होगा तो फोकस इनोवेशन और ग्रोथ पे होगा। अब हमारे जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, मेरा क्षेत्र समस्तीपुर है, वैसे सारे जगहों पे भी जोमैटो, स्विगी, अमेजोन जैसे कंपनीज ऑपरेट करेंगे और वहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिले इन TDS पेमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग द TDS स्टेटमेंट इज प्रपोज टू बी डीक्रिमिनलाइज। एक और आंकड़ा रख रहे हैं, टैक्सेशन में सबसे बड़ा हिंड्रेंस लिटिगेशन होता है और हमारा इकोनॉमी का 12 ट्रिलियन रुपए अभी भी टैक्स डिस्प्यूट में फंसा हुआ है जो GDP का ऑलमोस्ट 6% है। इस बजट में विवाद से विश्वास स्कीम की घोषणा की गई है जिससे ये सारे जो पेंडिंग इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। टू रिड्यूस लिटिगेशन इन इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड एनहांस सर्टेनिटी द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स एंड स्ट्रीमलाइन द ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट प्रोसेस। यह फाइनेंस बिल एक तरह का स्टेटमेंट है मैम कि जनता का जो मेहनत का पैसा है उसको सरकार वापस इन्वेस्ट करती है और जो ये फाइनेंस बिल है वो एक स्टेटमेंट है कि हमारी वित्त मंत्री जी ने जैसा कहा था कि 9 प्राथमिकताएं हैं, वो 9 प्राथमिकताएं ज़रूर हम लोग अचीव करेंगे और विकसित भारत, विकसित बिहार का एक नया प्रमाण देंगे। ये जो देश है वो रिफॉर्म्स, पिछले 10 वर्षों से रिफॉर्म में है और सकारात्मक बदलाव देख रहा है। हमारा देश आज फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से top 5 इकोनॉमीज की तरफ बढ़ रहा है और G20 के माध्यम से आज हमारा देश एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया है। हमने अपने देश के नागरिकों के सपनों को पूरा होते हुए देखा है मैम, वो चंद्रयान का सफलतापूर्वक लैंडिंग हो, धारा 370 हो या हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और इसीलिए हमारे सामने जो चुनौती है वो तो है पर हमारे पास अवसर भी है और हमारे पास एक विजन भी है। अपने वाणी को हम विराम देने के पहले धन्यवाद देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जिनकी लगातार मेहनत की वजह से हमारे, एक मिनट मैम, एक मिनट, सबसे युवा सांसद है, 2 मिनट,
जिनके लगातार प्रयासों के वजह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको बिहार में धरातल पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। विपक्ष के लोग हमेशा हमें कहते रहते हैं, हमारी नीयत को खोजते, हमारी नीति को खोजते, हमेशा हमें कोसते रहते हैं। तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती से आते हैं, दो पंक्ति बस पढ़ेंगे इनके लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय समस्तीपुर।